एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे तेज चैनल सीपीएम जोकॉफ। तो अभी हम मौजूद हैं चांद पर हमारे कैमरामैन सहयोगी प्रकाश रोशन के साथ। मैं लल्लन, जैसा कि आपको पता है इसरो की यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, तो यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग दिखाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। इसका यहाँ पहुँचने में कुछ ही समय का वक्त बाकी है। अब जब तक यहाँ, तब तक हम आपको यहाँ चांद की सैर करा देते हैं कि आपको चारों ओर दिखा देते हैं चांद पर कैसा लगता है चांद पर। दोस्तों एक उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ चांद पर टॉयलेट किया था। टॉयलेट अभी भी हवा में तैर रहा है क्योंकि यहाँ होती है क्रिएटिविटी के कारण। क्या चांद पर क्रिएटिविटी होता है? सॉरी लोहसन भैया सॉरी। तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, क्रिएटिविटी तो हमने यहाँ टॉयलेट करने में लगाई है, मगर यहाँ चांद पर टॉयलेट तैर रही है वो नेगेटिविटी के कारण। ए उल्लू के घोड़े, तुझे किसने बना दिया रिपोर्टर? यहाँ नेगेटिविटी नहीं होती, ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक से सुन तो लिया कर। ठीक है लोशन भैया, ओके इसे काट देना, इसे जो भी गलत बोला है उसे एडिटिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी के कारण हमारी टॉयलेट हवा में तैर रही थी, तो यहाँ का ये एक वीक पॉइंट है, तो वह इस कारण हमारे मुंह में भी जा सकती है। अरे अरे कैमरामैन कैमरा उधर घुमाइए, देखिए ये देखिए हमको चांद पर एलियन दिखाई दे गया, घुमाइए उधर कैमरा। अरे अरे यार ये तो चाचा लग रहे हैं। प्रकाश लोशन जी जरा कैमरा बंद करिए, हमें चाचा से थोड़ी देर बात करते हैं, चाचा यहाँ चांद पर क्या कर रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। अरे चाचा तुम यार यहाँ चांद पर क्या कर रहे हो उड़ावे में? हाँ तेरी अम्मा का इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ, साले हम यहाँ जाते हैं तुम वहाँ तक हमारे पीछे चढ़े आते हो। अरे चाचा हम थोड़ी तुम्हारे पीछे आए हैं, तुम आए हो हमारे पीछे यहाँ। अच्छा हाँ, और नहीं तो क्या, बताओ नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो चांद पे? अरे वो चाइना वालों ने भेज दिया यार, वो पहले यार वो बंदर को भेज रहे थे, पर उन्होंने सोचा हमें भेज दिया, हमने भी सोचा यार हमारा नाम हो जाएगा और थोड़े पैसे मिल जाएंगे यार, हमको क्या पता था साले अपने सामान की तरह हमको धोखा दे जाएंगे बीच में। तब से यार हम तो चांद पर बस इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान है बहुत हम यार लल्लन बेटा। अच्छा चाचा तो तुम चांद पर एस्ट्रोनॉट बन के आए हो चाइना वालों की तरफ से, और तुम्हारा सूट बूट कहाँ है फिर? ये घुटन्ना बनियान पहन के आए हो चांद पे? अरे बेटा यार वो सारे चाइना वालों ने सब उतरवा दिया सूट बूट, बोला ना कराओ तब तक हम तुम्हारा सूट की रखवाली करते हैं। हम नहाने गए तब तक वो यार सूट ही लेके उड़ गए हमारा। और अल्लाह यार बेटा हम यूपी वाले हैं, ऐसी हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और सुनो अगर हमने एक पीक मार दी ना, एक चांद फिरन जमीन पर जाके गिरेगा नीचे, बताओ मारे पीक। अच्छा चाचा हाँ, और नहीं तो क्या यार, हम तो पिछली बार भी चांद पर आए थे। अच्छा चाचा लोग कहते हैं कि चांद पर दाग है, ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही पिछली बार आके यहाँ पीक मार दी हो पान की? अब और नहीं तो क्या भाई, यूपी वाले हैं हम, ऐसे थोड़े चले जाएंगे बिना अपनी छाप छोड़े। भाई जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं, क्या किसी भी तरीके से छोड़े। ठीक है चाचा, पीक तक तो ठीक है, मगर अब हक मत देना यहाँ पे, ना पूरे चांद में मालूम है क्या होगा, वो तो तुम समझते ही होगे ग्रेविटी के कारण अपन को ही दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी चाचा। अब इतने भी उल्लू नहीं है हम। और सुनाओ चाचा कैसा रहा तुम्हारे चांद पर भ्रमण? अच्छा रहा लल्लन, पर यार वो बात नहीं है अपने यूपी वाले यार, उसकी यूपी की बात ही अलग है, वो वाला फील नहीं आया यार हमको चांद पर। अच्छा अच्छा चाचा, अरे एक बात और है चाचा, हम भी काफी दिन से यहाँ चांद पर घूम रहे हैं, एक बात बताओ तुम्हें यहाँ चांद पर कहीं पानी मिला? मैं तो यार कब से घूम रहे हैं यार, हमें कहीं पानी ही नहीं दिखाई दिया यहाँ। अबे हमको क्या जरूरत है यार पानी की, हम तो यार अपनी बिस्लरी की बोतल साथ में लेके चलते हैं, हमको जरूरत नहीं है पानी वानी, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, बिस्लरी से काम चलाते हैं हम। अच्छा चाचा और बताओ कुछ नई बात चांद पर, कुछ नया देखा हो, नया कुछ मिला हो, बताओ और कुछ। अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई, तू है पत्रकार, तू यहाँ पर रिपोर्टर बन के आया है और हमसे लगा हुआ है, बताओ है हमारी क्या है, हम तो यहाँ एस्ट्रोनॉट बनकर आए हैं, अपना एक्सपीरियंस लोगों को जाकर बताएंगे नीचे, तुम्हें ही बता रहे सब। अच्छा चाचा अभी तुम नीचे जाओगे? अरे चाचा एक काम नहीं चलेगा ऐसे, वैज्ञानिक लोग तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हें चांद से पृथ्वी पर जाओगे जब नीचे फेमस हो जाओगे तुम, तो
और लोगों को कुछ सवाल जवाब दोगे, कैसे उनके सवालों का जवाब दोगे? तुम यहीं पे कर लो थोड़ा एक्सपीरियंस। हाँ यार लल्लन, ये बात तो तू सही कह रहा है, मगर यार हमें तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं सही, क्या बताएं? चाचा हमें भी चांद पर कुछ खास खबर मिल तो नहीं रही, मगर चाचा हम भी मीडिया वाले हैं, कुछ ना कुछ तो खबर बना ही लेंगे। और चाचा यार एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग पे एक आइडिया आ रहा है। चाचा मैं कौन हूँ, तुम्हें मैं एलियन बना दूँ, कैसे रहेगा बताओ? अब क्या मतलब है तेरा? चाचा मतलब यह है कि हम तुम्हें एक सूट पहना देंगे एलियन वाला, ऐसा है, तुमने वो एक फिल्म देखी है ऋतिक रोशन की, वो जादू फिल्म, उसमें वो जैसा वो सूट पहन रखा है वह वाला सूट तुम्हें पहना देंगे और तुम्हारी एकदम क्लीन शेप कर दोगे, तुम चाचा एलियन ही लगने लगोगे बिल्कुल। और फिर क्या, हम हेडलाइन चलाएंगे, चांद पर मिला एलियन। अब चाचा हम चांद पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो न्यूज़ देनी पड़ेगी, आखिर रोजी रोटी का सवाल है हमारा भी। चल चल लल्लन ठीक है, मैं तेरे लिए एलियन बन जाऊंगा, मगर भाई मेरी भी एक शर्त रहेगी, मुझे भी भाई साहब यहाँ 2-3 दिन हो गए यार, मुझे भी तू अपने साथ नीचे ले ले चलना, बस इतना कर देना। अरे चाचा यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो तुमको लेकर नहीं जाएंगे यार, तुम तो अपने आदमी हो। और चाचा इतना कुछ बस नाटक इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यार चांद पर आए कुछ हमें कवरेज मिल नहीं रही, कुछ ना कुछ तो हमें भी देना पड़ेगा। और फिर चाचा TRP का सवाल है, वो भी हमें देखना पड़ता है, अगर हमारे यार काम से TRP नहीं आई तो हम और हमने स्टूडियो में गए तो स्टूडियो वाले हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो हमें भी खबर देनी पड़ेगी उनके लिए, इसीलिए चाचा ये फालतू की खबर बनानी पड़ रही है हमें और कुछ नहीं। अब ठीक है लल्लन मान गए, अब तुम्हें जो बनाना है तुम बना दो यार, अब हमें बस। हेलो दोस्तों, तो चांद पर मिला एलियन सबसे पहले कवरेज हम पहुंचा रहे हैं आप तक, तो चलिए एलियन से बात करते हैं, देखते हैं एलियन को हिंदी आती है कि नहीं। हेलो एलियन, क्या आप एलियन हैं? लगता है इसे हिंदी नहीं आती है, तो हम इससे इशारे में बात करेंगे, शायद ये हमारे इशारों से कुछ समझे। ये क्या, एलियन ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, लगता है मुझसे ये भाषा ट्रांसमिट कर रहा है जिससे वह हमसे बात कर सके। लगता है भाषा ट्रांसलेट हो गई है, तो एलियन शायद हमारी भाषा सीख भी गया हो। तो अब हम क्या करते हैं, एलियन से बात करते हैं, देखते हैं ये हिंदी में हमसे बात कर पाएगा कि नहीं। तो हमने इस एलियन को नाम दिया है एलियन चाचा, क्योंकि ये दिखने में बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं। तो एलियन चाचा आपकी फैमिली कहाँ है, बताइए कुछ इसके बारे में, फैमिली है भी या नहीं चाचा, बताइए। अरे बेटा हमार फैमिली में 4 बच्चा है, एक मंगल पर गया हुआ है, एक बृहस्पति पर गया हुआ है, और एक बुध पर गया हुआ है, एक प्लूटो पर गया हुआ है, और फैमिली घूमने गई हुई है। अच्छा चाचा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने एलियन चाचा से बात करी, उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली मंगल ग्रह पर घूमने गई है। तो दोस्तों आप सोच रहे थे कैसे होते हैं एलियन, क्या करते हैं एलियन, तो इंसानों की तरह ही होते हैं एलियन, बस इन्हें दिखने में थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए CPM जोकोब, जय हिंद। तो दोस्तों Chandrayaan-3 की आर्थिक सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बस अब फाइनल सॉफ्ट लैंडिंग रहना बाकी है, आप इसका सीधा प्रसारण किसी भी TV चैनल पर देख सकते हैं।